हेलो दोस्तों, सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इसमें बताने वाली हूँ कि लंग इन्फेक्शन को कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि आप अपने लंग इन्फेक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, लंग इन्फेक्शन जो है वो किस वजह से होता है? लंग इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है, ठीक है? जो कि अभी की कंडीशन में देखने के लिए मिल रही है कोरोना वायरस, तो वायरस की वजह से ये जो वो लंग इन्फेक्शन है वो हो रहा है। दोस्तों, तो इसमें क्या क्या कारण होते हैं? तो कारण तो आपने जान लिया कि बैक्टीरिया, फंगस या वायरस की वजह से होते हैं। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे? तो सिम्टम्स में आपके आएंगे कि कफ होगा, आपको थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, आप इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस में मैंने तो नॉर्मल वे में बताया था कि आप घर पर अपने को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है डायग्नोसिस के लिए आपको अगर एक्स्ट्रा लेवल पर जाना है या फिर एकदम आइडेंटिफाई करना है कि हाँ एक्चुअली में निमोनिया जो है हो गया है, क्योंकि लंग इन्फेक्शन का मतलब है निमोनिया। तो निमोनिया को चेक करने के लिए आपको चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करवाना होगा, या फिर इस तरह के स्पायरोमेट्री का उपयोग करके आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको आप अच्छे से इन सभी बॉल्स को ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक लक्षण है कि आप में चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज करके कि आप में ऑक्सीजन लेवल कितना है। दोस्तों, क्या होता है लंग में कि अगर आपका जो लंग है वो निमोनिया हो गया है या उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो आपने सुना होगा कि उसमें ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, या उसे हम एयर सैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कुछ अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। दोस्तों, तो ये अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया या पानी भर गया है, तो हमारे जो लंग में है बहुत ही कम मात्रा में हम ऑक्सीजन खींच पाएंगे या फिर हम ऑक्सीजन को तैयार कर पाएंगे। जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो 50% ही अगर हम ऑक्सीजन बना पा रहे हैं, बल्कि हमारे शरीर को ज़रूरत है 50% से ज़्यादा की, तो वो हमको नुकसान पहुँचाएगी। इसका मतलब हमारा जो लंग ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए भी निमोनिया बहुत ही ज़्यादा घातक होता है या लंग इन्फेक्शन घातक हो सकता है अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया। साथ ही दोस्तों, इसको पूरी तरीके से डायग्नोस करने के लिए आपको अपना म्यूकस सैंपल या फिर नेजल सैंपल भी देना पड़ सकता है कि ये किस वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस की वजह से हो रहा है। साथ ही थ्रोट स्वैब भी ले सकते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करने में और ज़्यादा सहायक होगा। कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC और ब्लड कल्चर जो है ये भी किया जा सकता है, ताकि आपके सभी चीज़ों की अच्छे से जांच हो जाए कि ये किस वजह से आपके शरीर में हुआ है, उसकी पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इसका जो लंग इन्फेक्शन या निमोनिया का ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि सभी जो है यहीं पर आकर रुक जाते हैं, उन्हें परेशानी तो बहुत है, लेकिन आखिर ठीक कैसे करें इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। जैसे ही इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर में फीवर या फिर हमें जो है फीवर की तरीके से लगने लगता है, तो आप इसके लिए जो ड्रग्स हैं या फिर जो मेडिसिन है उसका यूज कर सकते हैं, जो कि आपको लोकल हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे या हॉस्पिटल से आपको मिल जाएगा, या फिर आप आइबुप्रोफेन या फिर एसिटामिनोफेन का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही निमोनिया हो गया है, लेकिन आपको बहुत सारा पानी पीना है, ताकि आप में डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि म्यूकस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल रहा है आपके लंग्स से। दोस्तों, आपको इसके लिए ट्राई करना है, वैसे तो मेडिसिन जो है वो भी प्रोवाइड करने ही है, लेकिन इसमें जो है होम रेमेडीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके लिए आपको हॉट टी का उपयोग करना है या गर्म चाय, जिसमें कि आप हनी या अदरक डालकर इसको यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी चीज है दोस्तों, कि आपको गार्गलिंग भी करना है, सॉल्ट वाटर से या नमक के पानी से आपको गार्गल करना होगा। दोस्तों, जब हम म्यूकस बाहर निकालते हैं तो उसमें जो है हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खपत हो जाती है, और साथ ही हमारे शरीर का जो पानी है या वाटर है वो जल्दी जल्दी निकल रहा है उस म्यूकस के थ्रू। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको समय मिले आप अपना रेस्ट करें, उसके लिए आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आप में बहुत ही ज़्यादा थकान
हो जाएगी। दोस्तों आप ह्यूमिडिफायर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा म्यूकस बाहर निकल रहा है, हमारा नाक जो है वो बहुत ही ज्यादा सूख जाता है। पानी तो आप पी ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ह्यूमिडिफायर का भी यूज कर सकते हैं, ताकि वहां पर का एयर जो है उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे और आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। दोस्तों साथ ही आपको इसके लिए एंटीबायोटिक्स का भी यूज करना होगा जब तक ये नहीं जाता है, या फिर ये जो निमोनिया है या फिर लंग इन्फेक्शन जो है खत्म नहीं होता है। तो ये थी पूरी जानकारी लंग इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।